नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं धृष्टोर उपाध्याय। कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही एक दिन काटना भी पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हाल समाजवादी पार्टी के नेता और भूमाफिया आजम खान का है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए इतने अवैध काम किए कि लिस्ट बड़ी लंबी है। अब सूबे में योगी सरकार है तो सारे गुनाहों का एक एक करके हिसाब लिया जा रहा है। आजम खान पिछले 11 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं। आलम यह है कि अगर उन्हें एक केस में जमानत मिल भी जाती है तो तुरंत दूसरा केस खुलकर सामने आ जाता है, जिसके चलते उनका जेल से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजम खान पर लगभग 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें चोरी डकैती से लेकर अवैध भूमि कब्जे समेत कई संगीन धाराओं में उन पर कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसी बीच शनिवार को जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान को ईडीएम की कोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी। जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि अनुमति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। सरकारी वकील अजय तिवारी ने बताया कि अब ये भूमि आजम खान की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी। दरअसल रामपुर से सांसद आजम खान ने सपा सरकार के दौरान सैकड़ों बीघा जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम पर ली थी। ये मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था। आरोप लगे थे कि अनुमति की कई शर्तों का उल्लंघन किया गया था। प्रशासन की ओर से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीनों की जांच एसडीएम सदर से कराई गई थी। आरोप है कि एसपी शासन के दौरान जौहर ट्रस्ट को जमीन देते वक्त स्टाम्प शुल्क में इस शर्त पर माफी दी गई थी कि जमीन पर चैरिटेबल कार्य होंगे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक जौहर ट्रस्ट की इस जमीन पर जौहर विश्वविद्यालय का काम चल रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में चैरिटी का कोई काम न होने की बात भी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट को एक सीमा के तहत ही जमीन आवंटित की जा सकती है, लेकिन इस मामले में नियम कायदों का उल्लंघन किया गया है। तत्कालीन एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट मामले में जांच की थी। इस पर एडीएम कोर्ट में केस दायर कराया गया था। एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना है। यानी कि साफ है कि आजम खान ने जो भी अवैध काम किए हैं उसका एक एक करके हिसाब लिया जा रहा है। अभी ऐसे कई केस हैं जिसमें आजम खान की आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।